हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को अवतल दर्पण में छह स्थिति को बताने वाला हूँ एक ट्रिक से, जिसके द्वारा आपको हमेशा याद रहेगा। तो सबसे पहले अवतल दर्पण के सामने जिस जगह पर वस्तु को रखा जाता है उसी जगह पर छह लाइन खींच लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। ये देखिए मेरा ट्रिक। अगर वस्तु को एक पर रखेंगे तो एक पर बनेगा, दो पर रखेंगे तो दो पर बनेगा, तीन पर रखेंगे तो तीन पर बनेगा, और चार पर रखेंगे तो चार पर बनेगा, और पांच पर रखेंगे तो पांच पर बनेगा, और छह पे रखेंगे तो दर्पण के पीछे छह पर बनेगा। ये ट्रिक आपको कैसा लगा प्लीज एक कमेंट कीजिए। और अब मैं छह स्थिति को एनिमेशन द्वारा बताने वाला हूँ किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है। नंबर वन, तो ये है आपका क्वेश्चन। अब मैं दो किरण को ले जाऊंगा, तो किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर मैं ले जा रहा हूं, तो ये देखिए किरण जा रही है और ये फोकस से गुजर गई। ओके, तो देखिए ये जिस बिंदु पर मिल गया उसी बिंदु पर प्रतिबिंब मेरा बन गया, यानी कि मेरा प्रतिबिंब फोकस पर बन गया बिंदु नुमा। नंबर टू, अब मैं अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच खड़ा हो गया। अब मैं दो किरण को ले जाऊंगा, तो एक किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर मैं ले जा रहा हूं, तो ये देखिए किरण जा रही है और ये फोकस से गुजर गई। ओके, अब मैं दूसरे किरण को वक्रता केंद्र से ले जा रहा हूँ और वक्रता केंद्र से ही परिवर्तित हो जाएगी, तो देखिए ये जिस बिंदु पर मिल गया उसी बिंदु पर प्रतिबिंब मेरा बन गया, यानी कि मेरा प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन गया। नंबर थ्री, अब मैं अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर खड़ा हो गया। अब मैं दो किरण को ले जाऊंगा, तो एक किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर मैं ले जा रहा हूं, तो ये देखिए किरण जा रही है और ये फोकस से गुजर गई। ओके, अब मैं दूसरे किरण को मुख्य फोकस से ले जा रहा हूं और मुख्य अक्ष के समानांतर परिवर्तित हो जाएगी, ये जिस बिंदु पर मिल गया उसी बिंदु पर प्रतिबिंब मेरा बन गया। नंबर फोर, ये देखिए अवतल दर्पण के सामने फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में खड़ा हो गया। अब मैं दो किरण को ले जाऊंगा, तो एक किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर मैं ले जा रहा हूं, तो ये देखिए किरण जा रही है और ये फोकस से गुजर गई। ओके, अब मैं दूसरे किरण को फोकस से ले जा रहा हूं और मुख्य अक्ष के समानांतर परिवर्तित हो जाएगी, देखिए ये जिस बिंदु पर मिल गया उसी बिंदु पर प्रतिबिंब मेरा बन गया, यानी कि मेरा वास्तविक प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन गया। नंबर फाइव, अब मैं अवतल दर्पण के सामने फोकस पर ये देखिए मैं खड़ा हो गया। अब मैं दो किरण को ले जाऊंगा, तो एक किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर मैं ले जा रहा हूं, तो ये देखिए किरण जा रही है और ये फोकस से गुजर गई। ओके, अब मैं दूसरे किरण को दर्पण के ध्रुव से मैं ले जा रहा हूं और बराबर कोण बनाते हुए परिवर्तित हो जाएगी। ओके, ये देखिए ये किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद कहीं भी नहीं कट रही है, यानी इसका जो प्रतिबिंब है वो आपका अनंत पर ही बनेगा। नंबर सिक्स, अवतल दर्पण के सामने फोकस और ध्रुव के बीच में खड़ा हो गया। अब मैं दो किरण को ले जाऊंगा, तो एक किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर मैं ले जा रहा हूं, तो ये देखिए किरण जा रही है और ये फोकस से गुजर गई। ओके, अब मैं दूसरे किरण को दर्पण के ध्रुव से मैं ले जा रहा हूं और बराबर कोण बनाते हुए परिवर्तित हो जाएगी, तो देखिए ये जिस बिंदु पर मिल गया उसी बिंदु पर प्रतिबिंब मेरा बन गया, यानी कि मेरा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन गया काल्पनिक। ये चारों पॉइंट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजिशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज, ये चारों पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। और इस प्रकार साइंस को प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।